नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी टांडा विधानसभा के प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा ने टांडा नगर में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं क्षेत्र में मजबूती से लगकर क्षेत्र में गांव-गांव घर-घर जाकर पार्टी की रीतियों और नीतियों के बारे में जागरूक कर मतदान करने की अपील की है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने प्रशासन और भाजपा को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में एक एक भ्रष्ट अधिकारियों का नाम नोट करके रख लेना, 10 मार्च के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा। देखिए, पहला मुद्दा तो है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से जंगल राज कर थाने चाहे तहसील या उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। लोगों को जबरन झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको अपमानित करने के नाम पर थाने और तहसील के लोग करोड़ों रुपया लूटने का काम किए हैं। बिजली के चेकिंग के नाम पर पता नहीं कई लाख करोड़ की लूट हो चुकी है। ये जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं हो रहा। जातीय समीकरण पर चुनाव होता तो राममूर्ति वर्मा अकबर पक्ष से चुनाव लड़ते। ये चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की नीयत से, कि जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई सटेंड कर सकती है, वहां हमारे नेता ने बहुत सूझबूझ से उनके सटेंड को फेल करने के लिए तमाम जगहों पर इस तरीके से निर्णय लिया।